दबंग मूवी देखी और सलमान सर का जो स्टाइल मैंने देखा एकदम मैं तो भाई उनका फैन हो गया एकदम। हर कोई यहाँ पर सलमान का फैन है तो हर कोई उनको एक बार फिर से पुलिस वाले रोल में देखना चाहेगा। सलमान खान का मैं तो बहुत बचपन से फैन हूँ। वहाँ पे जो आइटम सॉन्ग जैसे फेमस हुए हैं तो इस बार भी ये मुन्ना बदनाम हुआ भी उसी तरह फेमस होने वाला है। जो पहले के विलन थे बहुत ही मजबूत थे और एकदम टक्कर वाले थे तो सलमान जब उनसे लड़ते थे तो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। स्टाइल है जब वो एक्शन मारते हैं गाड़ी से निकलते हैं सलमान खान अच्छी मूवी लगती है ना। और जो पीछे गॉगल डालते हैं वो भी अच्छा लगता है अपने को। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीवी न्यूज एंटरटेनमेंट। साथ में आज हम बात करेंगे दबंग 3 की। जी हाँ, दबंग 3 का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। देख जिसके पास जाओ वही दबंग 3 की बात कर रहा है। सलमान के जो जितने भी फैन हैं वो चाह रहे हैं कि किस तरह से अपने मैसेजेस सलमान की तरफ भेजा जाए। कुछ हमारे साथ ऐसे ही फैन हैं जो पहले सलमान खान के फैन नहीं थे, उन्होंने मुझसे बताया कि वो पहले सलमान खान के फैन नहीं थे लेकिन जब से वो दबंग देखना स्टार्ट किए, जब से सलमान को पहली बार पुलिस वाले ड्रेस में देखना स्टार्ट किए तब से उनके फैन हो गए हैं। सबसे पहले हम सबका नाम जानना चाहेंगे, फिर इनसे हम पूछेंगे कि कितने बड़े फैन है ये और क्यों दबंग देखने के बाद ये अचानक से इनका नजरिया सलमान के लिए बदल गया। जी भाई, आपका मतीम क्या हुआ था, मतलब आप अचानक से सलमान खान के फैन बन गए? जैसे ही जब मैं कॉलेज टाइम पे था, कॉलेज में मतलब हम दोस्त लोग जब फर्स्ट टाइम मैं पहली बार थिएटर गया था और थिएटर में फर्स्ट टाइम मैंने दबंग मूवी देखी तो तब से दबंग मूवी देखी और सलमान सर का जो स्टाइल मैंने देखा एकदम मैं तो भाई उनका फैन हो गया एकदम। और जब वो सॉन्ग देखा मैंने हुड़ हुड़ दबंग वाला तो और भी इच्छा बढ़ने लगी कि दबंग 2 कब आएगा। ये बात हो गई, वो चीज़ मैं मतीम से कराऊंगा लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं उनसे ना सारी चीज़ें कराऊंगा जितने लोग हैं और जो डायलॉग है डायलॉग भी बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा भी। जी भाई, आपका नाम? अमित, आप बताना क्या कहना चाहेंगे। आप जब दबंग देखी आपने? उसकी देखी बहुत, सलमान खान का मैं तो बहुत बचपन से फैन हूँ ना। मैं सलमान खान को बहुत, दबंग 3 भी अभी ट्रेलर भी देख लिया, बहुत अच्छी लगा हमको मूवी वो ना। अभी अभी जब आएगा थिएटर में तो हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए वो चीज़ अभी है। कुछ याद है हमको उनके डायलॉग वगैरह, कुछ स्टाइल वगैरह कुछ याद है? स्टाइल है जब वो एक्शन मारते हैं गाड़ी से निकलते हैं सलमान खान अच्छी मूवी लगती है ना। और जो पीछे गॉगल डालते हैं वो भी अच्छा लगता है अपने को, वो भी वैसा स्टाइल हम लोग भी लुक सोचते हैं करें उनके जैसा लुक। सलमान भाई को मैं बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और भी लोग हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर। और जी सर, आप बताइए। हेलो, क्यों सलमान खान के अपने बड़े फैन हो गए? अरे ये जो दूसरा तीसरा पार्ट चल रहा है इसका बहुत, पहला दूसरा जो देखा उसका पार्ट बहुत अच्छा लगा, ये तीसरा भी ट्रेलर देखा बहुत बढ़िया लगा मेरे को। देखिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब देखेंगे तो सलमान खान के जैसे बॉडी रख के यहाँ पे आए हुए हैं और उन्हीं के थोड़ा थोड़ा वैसे एक और भी है सलमान के बहुत बड़े वाले फैन है ये अभिषेक। जी हाँ अभिषेक। जी अभिषेक, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने देखा है कि सलमान की जो भी फिल्म हो आप सबसे पहले देखने जाते हैं और मुझे बताते भी कि सर मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ या फिर मुझे सलमान की फिल्म कब आ रही है, ऐसा सारी चीज़ें मुझसे रिव्यू पूछते हैं। सो क्या कहना चाहेंगे आप? सर अभी दबंग 3 आ रही है, जैसे कि दबंग सीरीज़ के बारे में हर कोई जानता ही है कितनी सक्सेस है, तो ऑब्वियसली वी आर रियली एक्साइटेड टू सी हिम अगेन ऑन दिस पुलिस वाला रोल। तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और जो मुन्ना बदनाम हुआ अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ ये सॉन्ग जो कि बहुत ही यूट्यूब पे चल रहा है, तो वो एक्साइटमेंट और बढ़ गई है और हम लोग जरूरी दबंग का मूवी का रिव्यू भी देना चाहेंगे। और जैसे कि हर कोई यहाँ पर सलमान का फ़ैन है तो हर कोई उनको एक बार फिर से पुलिस वाले रोल में देखना चाहेगा और जो पावर पैक परफॉर्मेंस वो देते हैं उनको हम लोग फिर से एक बार इन्जॉय करेंगे। मतीम भाई, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि दबंग 1 में हमने देखा था कि मुन्नी बदनाम हो गई थी, दबंग 2 में तेरे फोटो चिपका ले सैया फेविकॉल से, अभी तो अचानक से मुन्ना बदनाम हो गया, तो वो मजा आया आपको देख के मुन्ना बदनाम, या फिर आप किसी एक्ट्रेस को देखना चाहते थे मतलब आइटम सॉन्ग करते हुए? नहीं, एक्चुअली जो वहाँ पे जो आइटम सॉन्ग जैसे फेमस हुए हैं तो इस बार भी ये मुन्ना बदनाम हुआ भी उसी तरह फेमस होने वाला है। तो वही, कितनी बार देखा मुन्ना बदनाम? मैं तो जैसे ही मतलब कहीं सलून पे भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी देखता हूँ तो वही सॉन्ग बजते रहता है। और वैसे भी दबंग मूवी के सॉन्ग तो हम लोग डेली ऐसे ही बजाते रहे, जहाँ पे भी जाते हैं तो जैसे घूमने चले जाए वहाँ पे भी हम लोग बजा लेते हैं। तो अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया। इस बार का जो ट्रेलर में कोई डायलॉग याद है आपको?
मेरे को तो वही सीन याद है जो गाड़ी उड़ी से उतरते हैं सलमान खान जब कपड़ा निकालते हैं तो वो लुक तो और अच्छा लगता है अपने को सलमान खान निकालते हैं तो वही सर है। और जो विलन है इस बार विलन भी लगातार तीनों में विलन चेंज होते जा रहे हैं, इस बार साउथ के सुपरस्टार है सुदीप, तो उनको देख के मजा आया कि या फिर जो पहले का विलन था वो ज़्यादा जैसे सोनू सूद थे प्रकाश राज थे? जो पहले के विलन थे वो बहुत ही मजबूत थे और एकदम टक्कर वाले थे, तो सलमान जब उनसे लड़ते थे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। इस बार के जो विलन है वो भी लग रहे हैं पूरी तरह से, बॉडी वॉडी उन्होंने भी बनाई हुई है और अपने सलमान की तो बॉडी हर कोई जानता ही है, तो ऑफकोर्स मज़ा आएगा देखने में बिल्कुल।